हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐप्स के बारे में जो बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल से, आप देखते रहिए हमारा चैनल। आज हम बात कर रहे हैं तो पहला ऐप्स है, इसका नाम कन्फर्ट। तो ये ऐप्स ऐसा ऐप्स है कि आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। सही समझें आप, क्योंकि ये डिलीट कर देता है। तो कोई भी आसानी ऑटोमेटिक डिलीट होने वाला आप इसके द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज, ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं। अगर कोई बंदा वहाँ कोई बैठा हुआ है जिसे आप भेज रहे हैं, अगर वो बंदा इसको खोजने की कोशिश करेगा तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। ये इसकी सिक्योरिटी पर्पज़ की कहानी है। तो आप समझ ही गए हैं कि आपके लिए कितना उपयोगी है। बढ़ते हैं हम दूसरे ऐप्स, बात करते हैं दूसरे ऐप्स के बारे में जिसका नाम है टेलीजन। इस ऐप्स के द्वारा बिना पेपर के पेपर वर्क को मैनेज करता है, क्योंकि ये ऐप आपके एम्प्लॉय पर नज़र रखता है, क्योंकि क्लाइंट के साथ कितना समय बिताया है ये पूरा ध्यान रखता है। तथा ये क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर ध्यान रखता है। तथा ये सारी जानकारी क्लाउड पर भेजता रहता है। अगर एडवांस में अगर इसकी रिपोर्ट बनाएं तो आप क्लाइंट के द्वारा जानकारी, आप डेटा निकाल कर आप उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। तीसरा ऐप जिसका नाम है रेस्क्यू टाइम। यह ऐप आपके पूरे खर्चे के जानकारी रखती है, कितना आपने खर्चा किया, जैसे कार पर कितना खर्चा किया है। तथा किसी चीज़ पर खर्चा करेंगे तो वो पूरे खर्चे की जानकारी रखेगा, क्योंकि इसमें एक स्टॉप वॉच लगी रहती है। तो आपको पूरा ध्यान किस पर के खर्चे पर, कितना खर्चा आप कर रहे हैं। बात करते हैं चौथे ऐप के बारे में जिसका नाम एजेंट। एजेंट नाम सुन के लग रहा होगा कि ऐप बहुत ही उपयोगी, क्योंकि एजेंट जानते हैं कितना अच्छा काम करते हैं। तो इस ऐप ये क्या करता है, अगर आप इंस्टॉल करते हैं इस ऐप को, तो इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप आपके बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आप बैकग्राउंड चलने के साथ क्या करेगा, अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं तो ये आपके फ़ोन को साइलेंट कर देगा। और उसके बाद अगर आप कार पार्किंग कर रहे हैं तो कार पार्किंग की जगह को याद रखें। अगर आप सो रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट जो कॉल आ रही है उसको टेक्स्ट मैसेज दे सकता है। तो समझ सकते हैं आपके लिए कितना उपयोगी है। पांचवा ऐप है मोइड। यह ऐप आपकी जानकारी रखता है। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, क्योंकि यह ऐप जानकारी रखता है कि आप कितने क्लाइंट के साथ कितने समय व्यतीत किया है। तथा ये व्यतीत करने के साथ आप कितने समय उसके साथ रहे हैं, तो इसके समय की जानकारी भी यह ऐप रखता है। अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं इस ऐप को तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको घड़ी देखने की, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप ध्यान नहीं रहा है तो आप जब बाहर निकलें तो इस ऐप के द्वारा सर्च कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपने उस बंदे के साथ कितना समय बिताया है। तो ये आपके लिए, ये ऐप आईट्यून और गूगल पर आसानी से उपलब्ध है। बात करते हैं अगले ऐप के बारे में जिसका नाम है लिमिट लेस। इसका नाम है क्या, लिमिट लेस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप कितना समय आपने किस किस कामों में दिया है, तो इसका लिमिट से ही पता लग रहा है कि लिमिट है। तो ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो समय को, अपने समय को मैनेज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम अपने कितने समय, कितने कितने समय किस किस कामों में देना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी, क्योंकि यह ऐप गूगल क्रोम पर अच्छा काम करता है। जैसे आपने अगर फेसबुक चलाया है, कितने प्रोडक्टिव कामों में आपने इसको समय को बर्बाद किया है वो जानकारी रखता है। जैसे आपने फेसबुक, ट्विटर और भी जैसे हायक हुआ या व्हाट्सअप हुआ, जैसे काफ़ी सोशल वर्क हैं। और अपने अगर कोई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने आपको इतने ऐप्स के बारे में जानकारी दी। अगर आपको अच्छे लगे ऐप तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ये मत भूलना। तो हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।